हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है खास तौर से एक ऐसे पोजीशन के बारे में है जो मर्दों को बहुत पसंद होता है। 85% मर्द जो है वो चाहे दिली ख्वाहिशी हो या उनका लाइव एक्सपेरिमेंट, इस पोजीशन को वो ट्राई ज़रूर करते हैं या फिर दिली ख्वाहिश होती है कि वो करना चाहते हैं। बहुत बार बहुत सारे रीज़न की वजह से वो इस पोजीशन को ट्राई नहीं कर पाते। किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत जल्दी झड़ने की प्रॉब्लम होती है या किसी को लो स्टैमिना की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो मैदान में उतरते तो हैं पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और ये पोजीशंस को ट्राई करने की दिली ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाती है। इसका सलूशन भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पर पहले ये तो डिस्कस कर लिए कि आपको या मर्दों को डॉगी स्टाइल इतना पसंद क्यों होता है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो है फुल एक्सपोजर, यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों इस पोजीशन में प्रॉपर एक्सपोजर होते हैं, यानी कि एकदम खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को पूरी की पूरी नंगी होके देख पाना, यानी कि अपनी बॉडी शेमिंग को तोड़ने की जो अगर मैं बोलूँ ठेका तो इस पोजीशन ने लेके रखा है। पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो मेल पार्टनर की बात करो तो फीमेल पार्टनर उनके प्रॉपर एक्सपोजर होते हैं, मतलब उनके सामने पूरे खुले होते हैं और इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर की बॉडी शेमिंग की जो प्रॉब्लम होती है काफी हद तक दूर होती है। तो जिन मर्दों को खुली खुली चीजें बहुत पसंद है, ओपन अप फिजिकल रिलेशन पसंद है, कोई लुका छुपी नहीं, कोई हाइड एंड सीक नहीं, उन मर्दों के लिए खास तौर से ये जो पोजीशन है उनके पसंदीदा लिस्ट में बहुत ही ऊपर है। नंबर टू वो है डोमिनेटिंग पोजीशन। बहुत सारे मेल पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो इस पोजीशन से अपनी फीमेल पार्टनर को डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा फीलिंग होता है अंदर से कि उनकी फीमेल पार्टनर बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। यानी कि बहुत सारे मेल पार्टनर को फिजिकल रिलेशन के दौरान पीछे से तमाचा लगाना पसंद है, तो किसी को हल्का बाइट करना पसंद है, किसी को किस करना पसंद है, किसी को बॉडी सहलाना पसंद है और इस पोजीशन में मेल पार्टनर बखूबी ये काम कर पाते हैं, तो इसीलिए मुझे मेल पार्टनर को बहुत पसंद है। नंबर थ्री, मेल पार्टनर अपने आप को स्टिमुलेट करने के साथ साथ इक्वली अपने फीमेल पार्टनर को भी स्टिमुलेट कर पाते हैं। क्योंकि जो मेल पार्टनर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मेरे साथ मेरी फीमेल पार्टनर भी उतना ही उसको प्लेजर मिले, उसको सुख मिले, तो इसका ध्यान रखते हुए मेल पार्टनर इस पोजीशन को जब भी ट्राई करते हैं तो क्लिट जो होता है फीमेल पार्टनर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा वो उनके बिल्कुल हाथ के पास होता है, तो वो अपने आप को स्टिमुलेट करने के साथ साथ फीमेल पार्टनर को भी स्टिमुलेट करते हैं उनके क्लिट को स्टिमुलेट करते हुए। अदरवाइज वो अपनी फीमेल पार्टनर के बॉडी को स्टिमुलेट कर पाते हैं, उनके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर पाते हैं, उनके नेक को स्टिमुलेट कर पाते हैं, जिससे फीमेल पार्टनर को बहुत मजा आता है। नंबर फोर जो रीजन होता है ना वो है प्रॉपर इंसर्शन को फील करना, यानी कि मेल पार्टनर का साइज कुछ भी हो, एवरेज हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, लार्ज केस में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है क्योंकि लार्ज के केस में फीमेल पार्टनर प्रॉपर शायद उसको इंसर्ट करने ही ना दे। खैर, जिनका कुछ भी साइज हो मेल पार्टनर अपने पूरे के पूरे साइज को इंसर्ट करते हुए फील कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे पोजीशन में उनको थोड़ी सी बर्डन होती है फीमेल पार्टनर के थाइस की वजह से, बट इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बिल्कुल एक्सपोजर होता है, बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से कोई बर्डन नहीं होती। मेल पार्टनर का जो भी साइज है अप्रोप्रिएट वो प्रॉपरली इंसर्ट कर पाते हैं फीमेल प्राइवेट पार्ट के अंदर और फ्रिक्शन देना भी काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इस पोजीशन में मेल पार्टनर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से मेल पार्टनर भी फ्रिक्शन को बखूबी फील कर पाते हैं और फीमेल पार्टनर भी। और डॉगी स्टाइल को पसंद करने का एक और रीजन होता है क्योंकि बहुत सारे बोल्ड फीमेल्स भी इस पोजीशन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में फ्रिक्शन फीमेल्स को काफ़ी हद तक महसूस होता है। बट दूसरे और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स इस पोजीशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसमें मैं डिटेल्स पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। पर बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं ना ऐसे जो चाहते हुए भी, दिले ख्वाहिशी होते हुए भी वो इस पोजीशन को ट्राई नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी स्टैमिना कम होती है, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने डिस्चार्ज को। बहुत बार इसकी वजह पुअर डाइट होता है, बहुत बार इसकी वजह अल्कोहल का कंज्यूमिंग हो सकता है, सिगरेट का एक्सेसिव कंज्यूमिंग हो सकता है या फिर आपकी इरेक्शन की इश्यूज भी हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले मर्दों को एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा सही रहे।
और इसका सबसे पहला सिग्नल होता है कि आप थकान को महसूस कर रहे हो, क्योंकि हाई स्ट्रेस, हाई डिप्रेशन, फोकस की कमी और सेक्सुअल हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान ना देना अक्सर उनके ख्वाहिशों को मारने पर मजबूर करता है। तो अपनी ख्वाहिशों को मारो मत, उसका सोल्यूशन निकालो। अगर आपको ये पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद है या ऐसे ही पोजीशंस आपको पसंद है और अपने फिजिकल रिलेशन के दौरान आप लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करते हुए अपने अलग अलग पोजीशन को ट्राई करना चाहते हो, तो सबसे पहले 5-6 फूड आइटम ऐसे हैं उसको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करो। आम, अनार, डार्क चॉकलेट, तरबूज और इसके साथ पम्पकिन सीड, ये 5 चीज़ें, यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं ना, जो कद्दू होता है, कद्दू ही कहते हैं ना उसे, येलो कलर का पम्पकिन जो होता है उसकी शीड, यानी कि उसकी बीज जो होती है वो आप ज़रूर ले। ये 5 चीज़ अगर आप रोज लेते हो ना, डेट्स भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत असरदार होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ आप कोई भी सप्लीमेंट लो, अगर आप तेज़ी से असर चाहते हो तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो जो नेचुरल हर्ब से बने होते हैं। इस हर्ब्स का इस्तेमाल आज से नहीं हज़ारों सालों से होता आ रहा है और ये बहुत इफेक्टिव होता है, विदाउट साइड इफेक्ट आपके बॉडी में काम करता है। आप चाहो तो इस केस में आप माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हबशी है ये तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है वो आपके इरेक्शन इशूज़ को भी सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, आपकी स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में होती है, तो डिस्चार्ज भी कभी कभार आप अपने कंट्रोल में कर पाते हो। बहुत बार तो जल्दी भी झड़ा देते हो आप, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें जितने सारे हर्ब्स है ना, ये बहुत ही नोन हर्ब्स होता है। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को तेजी से इंक्रीज करने में आपकी मदद करती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के इतने सारे हर्ब्स लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो ना, तो ये काफ़ी मदद करता है और लेना बिल्कुल ही आसान है। या फिर दूध के साथ या फिर पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आयुष सर्टिफाइड है। जितने भी हर्ब्स है, एज लाइक अकड़कड़ा, मुस्तागी रूमी, विधारी कंध, अश्वगंधा, जफरन, सफ़ेद मुसली, शतावरी, सलब पंजा, शिलाजी, लवसम और साथ ही साथ इसमें शलभ मिश्री भी है जो बहुत ही तेज़ी से आपके बॉडी में असर करता है। तो दोस्तों, किसी चीज़ को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम का हल निकालना ही असल में सोल्यूशन की प्रॉब्लम है। या फिर जिनको दूसरा कोई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उनकी लिबिडो कम हो गई है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर उनका दिल में है कि मैं इसको ट्राई करूँ बट बिस्तर पे जाने का मन नहीं करता, उस तरीके से संबंध बनाने का मन नहीं करता, तो उस केस में भी ये आपको बहुत मदद कर सकता है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो फिलहाल इतने तक ही है। अगले दिन फिर से नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।